हेलो एवरीवन, आज है 30 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉफी डे एंटरप्राइज लिमिटेड के बारे में। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट आई है इसमें और आज शेयर 20% तक टूट चुका है, 20% तक शेयर टूट चुका है। और जिन्होंने भी इसमें खरीदारी की थी उनको बेचने तक का भी मौका नहीं मिला क्योंकि कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। और एक बड़ी ट्रेजेडी सामने आई है जिसकी वजह से इसके शेयर्स में भयंकर तरीके से गिरावट देखने को मिली है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हाल फिलहाल में इसमें क्या करना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए इसके शेयर्स में नहीं, और किस तरीके की स्थिति यहाँ पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और तो और, जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देके रखा है, वहां से वो इजीली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वो भी कम ब्रोकरेज चार्ज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑलमोस्ट 154 रुपीज के करीब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और जो सबसे बड़ी अपडेट है कि सी कैफे कॉफी डे ऑपरेटर शेयर लॉक 20% लोअर सर्किट आफ्टर द फाउंडर। कंपनी के जो फाउंडर है वीजी सिद्धार्थ, वो गुम हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो उनके सुसाइड और किसी और बाकी चीजों का अंदाजा यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ न्यूज इस प्रकार है कि आज 30 जुलाई को शेयर में 20% की गिरावट आई क्योंकि उनके जो कंपनी के जो फाउंडर है, फाउंडर वीजी सिद्धार्थ, वो मिसिंग हो गए। मिसिंग मतलब गायब हो गए हैं यहाँ पर। और जो पुलिस है उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। आज सुबह मॉर्निंग से ही सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है और एक्चुअली ये मिसिंग है, कल रात से ये मिसिंग है। और इसी की वजह से देखिए आज शेयर की हालत आप देखिए कि आज देर आर पेंडिंग सेल ऑर्डर्स, जो बेचने के ऑर्डर्स थे वो 21 लाख से भी ज्यादा के बेचने के ऑर्डर्स पेंडिंग थे, लेकिन कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ी अपडेट होती है जब कोई कंपनी का जो बहुत बड़े लेवल पर फाउंडर और सीईओ जब इस तरीके से गायब होते हैं तो डेफिनेटली कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि सिद्धार्थ गॉट ऑफ हिज कार एट अ ब्रिज नियर द नेतावती रिवर नियर मैंगलुरु। तो मैंगलुरु के पास एक ब्रिज के पास उन्होंने अपनी कार रोकी और वहां पर उनके जो ड्राइवर है उन्होंने कहा, उनके फैमिली मेंबर्स को अलर्ट किया क्योंकि वो 1 घंटे के बाद भी वापस नहीं आए। एक ब्रिज के पास उन्होंने अपनी कार रोकी और 1 घंटे के बाद भी वो वापस नहीं आए। और उन्होंने ये कहा, ड्राइवर ने ये कहा है कि सिद्धार्थ वॉज ऑन फोन कॉल वेन ही गॉट ऑफ द कार। मतलब कार से जब नीचे उतरे तब एक फोन कॉल तब फोन पर किसी से बात कर रहे थे। अब यहां पर है कि हेलीकॉप्टर एंड कोस्ट गार्ड हैव बीन कॉल्ड फॉर सर्च ऑपरेशन। तो न्यूज 18 की जो रिपोर्ट है उसमें है कि देखिए, आज मॉर्निंग से जैसे वो मिसिंग हुए और जैसे पता चला कि इस नदी के जो ब्रिज है उसके ऊपर से उसके ऊपर उनको आखिरी बार देखा गया था, तो हेलीकॉप्टर और कोस्ट गार्ड के द्वारा मतलब पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया वहां पर, लेकिन अभी भी वो मिले नहीं है। और यहां पर है कि यहां पर अगर हम बात करें कि सिद्धार्थ सेड ही वॉज अंडर द ट्रिमेंडस प्रेशर। तो सिद्धार्थ ने अपने लेटर में भी लिखा है कि उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था। और सिद्धार्थ ने ये लेटर किसको लिखा है, अपने बोर्ड एंड एम्प्लॉयज को लिखा है। और यहाँ पर उन्होंने ये लिखा था कि आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू टू बी स्ट्रांग एंड टू कंटिन्यू रनिंग दिस बिजनेस विथ न्यू मैनेजमेंट। तो देखिए, सिद्धार्थ ने लेटर लिखा था 27 जुलाई को अपने बोर्ड्स एंड एम्प्लॉयज को कि देखिए कंपनी का जो उनको स्ट्रांग रहने के लिए और कंपनी का जो बिजनेस है उनको अंडर नए मैनेजमेंट में चलाने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया था। और दूसरी बात है कि सिद्धार्थ ने यह भी लिखा था कि उनके ऊपर काफी ज्यादा दबाव है फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स टू बाई बैक द शेयर एंड द ट्रांजेक्शन ही हैड पार्शली अंडरटेकन अंडर द बोरोइंग मनी फ्रॉम द फ्रंट। तो देखिए, उन्होंने ये कहा है कि उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है जो शेयर के बाईबैक को लेकर, और जो पैसे उन्होंने उधार लिए थे अपने दोस्तों से, और बाकी अंडरटेकन की जो स्थिति चल रही थी उसके रिगार्डिंग उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है। और यहाँ पर है कि कैफे कॉफी डे फाउंडर ऑल्सो स्पोक ऑफ अ लिक्विडिटी क्रंच। देखिए, उनके पास पैसा नहीं था, लिक्विडिटी क्रंच ड्यू टू द हरेसमेंट फ्रॉम द प्रीवियस डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स विद रिगार्ड ऑफ अ माइंड ट्री डील। तो देखिए, माइंड ट्री में उनकी एक बहुत बड़ी डील हुई थी जिसको अगर यहाँ पर कि सिद्धार्थ हैज रिसेंटली सोल्ड 20
0.3% स्टेक इन माइंडट्री टू एलएनटी। तो सिद्धार्थ सीसीडी के फाउंडर होने के साथ साथ वो बाकी बिजनेसेस में और बाकी कंपनियों में अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते थे, एज ए इन्वेस्टर्स थे। तो उन्होंने माइंडट्री में डील की थी 23% सॉरी 20.3% की जो उनकी उनका जो स्टेक थी वो उन्होंने रिसेंटली बेची थी, और उसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनको काफ़ी ज़्यादा हैरेस किया जा रहा था, ऐसा इन्होंने कहा है अपने लेटर्स में। ही टू कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिचुएशन सेइंग दैट नन ऑफ दिस टीम मेंबर्स ऑडिटर सीनियर मैनेजमेंट वेर अवेयर ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो डील हुई थी उसके बारे में उन्होंने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है, और कहा है कि उनके कोई टीम मेंबर्स ऑडिटर और सीनियर मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व भी नहीं थे। देखिए मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है यहाँ पर, और इसी की वजह से आज शेयर्स में 20% की गिरावट है। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आज गिरावट है, पिछले काफ़ी महीनों से ये गिरावट चली आ रही है। इसमें आप देखिए ऑलमोस्ट 23% की गिरावट है। देखिए 200 रुपये के करीब पिछले एक हफ्ते में ये शेयर 200 रुपये से गिरकर 150 रुपये तक आ चुका है। 200 रुपये से गिरकर 150 रुपये तक आ चुका है। एक महीने की भी अगर हम बात करें तो एक महीने में देखें 33% तक की गिरावट है। आप चार्ट देख सकते हैं, कंटिन्यूअस नीचे आता हुआ चार्ट है। 230 रुपये का शेयर 150 रुपये तक आ चुका है। एक साल की भी अगर हम बात करें तो एक साल में सीसीडी में 41% तक की गिरावट है। 316 रुपये, मतलब ऑल आधा हो चुका है ये शेयर। 316 रुपये तक का हाई इसने बनाया था। उसके बाद आप देखिए काफी सारी अप्स एंड डाउन आती रही, लेकिन जो सबसे बड़ी गिरावट अगर हम यहाँ पर देखें तो इसी साल तीसरे महीने में मार्च में ये शेयर ऑलमोस्ट 310 रुपये के करीब ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद कंटिन्यूस शार्प फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसको ऊपर उठने का मौका नहीं मिला, और उसके काफ़ी सारे रीजंस भी है। देखिए स्मॉल कैप इंडस्ट्री है, 3,250 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एनएससी में अगर हम देखें तो देखिए ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड नहीं है, क्योंकि देखिए लोगों क्योंकि कोई खरीदारी करने को तैयार नहीं थे। बिकवाली करने के लिए बहुत सारे लोग थे, लेकिन खरीदारी करने के लिए आज कोई नहीं था। कंपनी लॉस मेकिंग थी, नुकसान में थी। नेट सेल्स भले उनके अच्छे दिख रहे थे, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं था। इनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो दिन ब दिन टूटता जा रहा था। यहाँ पर अगर हम नेट सेल्स की बात करेंगे तो मार्च 2018 में इनके नेट सेल्स 1,130 करोड़ के आसपास के थे। दिसंबर 2018 में 1,000 करोड़ के आसपास का रहा। मार्च 2019 में 1,322 करोड़, मतलब 32% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। लेकिन जो दिक्कत बनी है वो इनके नेट प्रॉफिट में है। नेट प्रॉफिट में देखिए सिर्फ 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है मार्च क्वार्टर में, जबकि दिसंबर क्वार्टर में आप देखेंगे कि 65 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। मतलब देखिए प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज्यादा गिरावट है। तो यही एक दिक्कत थी कि शेयर्स में इतनी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। अगर इसी महीने की मतलब मार्च महीने से ही हमें इतनी ज्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी इसके शेयर्स में। यहाँ पर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो देखिए प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 53.93% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 5.57% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 0.12% की होल्डिंग। इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 40.29% की होल्डिंग है। लेकिन देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत ज्यादा है, 53.93%, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी है। 75-76% जितनी होल्डिंग यहाँ पर गिरवी रखी हुई है। तो ये एक दिक्कत जरूर है। यहाँ पर सिर्फ दो म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड थे, 52 एफआईएस ने पैसा लगाया था, और प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करेंगे तो वीजी सिद्धार्थ जो मिसिंग है वो प्रमोटर्स है और हाईएस्ट होल्डिंग लेकर, क्योंकि वो फाउंडर भी है सीईओ भी है, तो वो मिसिंग है, जिनके पास 32.75% की होल्डिंग है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कितने बड़े क्राइसिस से आने वाले दिनों में गुजर सकती है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात करेंगे तो एनआईएस स्मार्ट तो एलआईसी करके, जिनके पास 61% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करेंगे तो वो 12.27% की होल्डिंग है। डिविडेंड की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, डिविडेंड पे नहीं कर रही है ये कंपनी। सीसीडी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो देखिए 37% बाइंग रेटिंग है, 53% सेलिंग है, 10% होल्ड रिकमेंडेशन देखने को मिली है। पी की बात करेंगे तो पी उतना बुरा भी नहीं, अच्छा भी नहीं है। 25.50% का सॉरी 25.50 का पी है, जबकि इंडस्ट्री पी है 44.73। बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 149
की आसपास की है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.03 है, ईपीएस 6.04 है, डिलीवरी 74% के आसपास की है। 8 अगस्त को, अगले महीने 8 तारीख को क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, 8 तारीख को क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होंगे। अब देखो उनके मिसिंग होने के बाद ये डेट वही रहती है या इसमें कोई चेंजेस होते हैं, ये देखने वाली बात जरूर होगी। अगर यहाँ पर फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो कर्जा है इनके ऊपर 325 करोड़ के आसपास का कर्जा है इनके ऊपर, लेकिन उसके अगेंस्ट में इनके पास टोटल असेट भी है 2,135 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर कोई उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं लग रही है। शेयर होल्डिंग की सॉरी म्यूचुअल फंड हालांकि उतनी ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए अगर वो मिलते नहीं है, अगर वीजी सिद्धार्थ अभी भी मिलते नहीं है, और अगर और कोई और बड़ी बुरी खबर अगर इसमें आती है तो मेरे हिसाब से शेयर 100 रुपए से भी नीचे गिर सकता है, 100 रुपए से भी नीचे गिर सकता है। हो सकता है कि ये 70-75 रुपीज तक भी जा सकता है ये शेयर। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि अगर अगर आपको बेचने का मौका मिले तो जरूर आप इसको बेच कर निकल सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी है कि आपको क्या करना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।